डीएसपी गोहल्ला सुनील कुमार ने घग्गर बार इलाके के कई गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि घग्गर के लगातार बढ़ रहे जल स्तर को लेकर एक चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी प्रकार की अब तक कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, किसानों की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन हर समय मौके पर तत्पर है, किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। पूरा प्रशासन समय समय पर बाढ़ ग्रस्त इलाकों पर नजर बनाए हुए ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो। में भूसला है, ये भागल के एरिया में जो इधर के गांव हैं, जो आसपास के सिहाड़ी है और कसौली है और सरकपुर है और आगे फिर गोलक एरिया में आ जाते हैं, जो रत्ताखेड़ा लुकमान है और ये जो भाटिया गांव हैं, जो आसपास के जो गग्गर के तट से एरिया लगते हैं, उनमें बाढ़ का देखो अलर्ट आया हुआ है ऊपर से और लगातार पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और पुलिस परसों से ही, जब से अलर्ट आया हुआ है, तो पुलिस हर प्रकार से तत्पर है और तैयार है। और आज हमारी सुबह से NDRF की टीमें भी एरिया में आ चुकी हैं और जहाँ जहाँ से हमारे को कॉल रिसीव होती है तो तुरंत उन तक हमारी सहायता पहुँचाई जाती है, NDRF की भी, और पुलिस भी हर प्रकार से अपना कार्य मुस्तैदी से कर रही है। और रेस्क्यू ऑपरेशन, अगर कोई इसी प्रकार की कॉल आती है, अभी तक इस प्रकार की कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति किसी बाढ़ग्रस्त एरिया में फंसा हो, क्योंकि गांव के एरिया में जहां रिहायश का एरिया है वहां पर जल स्तर अभी भी नहीं आया, पानी नहीं आया है गांव के अंदर और जो खेतों में फसलें डूब चुकी हैं। तो बचाव के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, हमने जो हमारी ERV हैं और जो चौकी इंचार्जेज हैं एरिया के और जो SHOs हैं और जो एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर मैं भी लगातार फील्ड में हूँ परसों रात से, और जो कल थोड़ा सा जलस्तर कल से बढ़ रहा है रात से और आज रात तक पूरा जितना भी जलस्तर बढ़ना है तो बढ़ जाएगा, और उसके बाद मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उसके बाद जलस्तर घटना स्टार्ट हो जाएगा। परंतु हम हर प्रकार से मुस्तैदी से डटे हुए हैं और किसी भी सूरत में जान माल की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। गोहल्ला चिका से कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट, युगमार्ग TV।